आपको जो है आज जिस बाइक का रिव्यू देने वाले वो है यूनाइटेड की US 125 अलॉयड रिम के साथ मौजूद हैं और बड़ी बेहतरीन बाइक है और लुक वाइज कंडीशन वाइज बहुत आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बाइक है। और कंपेयर किया जाए इसको अगर 2024 के मॉडल से तो बहुत अच्छी बाइक कंपेरिजन के मुताबिक जो है ये बाइक काफ़ी अच्छी बाइक है और यूनाइटेड की। और इसका जो है मीटर आप देख सकते हैं, मीटर बड़ा खूबसूरत मीटर दिया गया है जिसमें जो है स्पीड भी मीटर दिया गया है, बाकी स्विचिंग के हवाले से लाइट्स वगैरह भी दी गई हैं। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर असेंबली वगैरह की तो आपको यहाँ पर हेडलाइट्स की जो है बटन्स वगैरह और स्विच मेन स्विच वगैरह के बटन्स वगैरह देखने को मिलेंगे। इंडिकेटर्स के बटन्स यहाँ पर लेफ्ट साइड पर हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पर, और साइड में मिरर्स वगैरह भी न्यू बाइक में दिए जाते हैं ताकि सेफ्टी प्रिकॉशंस हर कोई जो है यूज़ करता रहे इसको। बाकी अगर हम बात करें टंकी की तो जो है टंकी की पेट्रोल कैपेसिटी जो है वो 9 लीटर की होती है, ठीक है, और 9 लीटर इजीली आप डलवा सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं सीट वगैरह भी जो काफ़ी कंफर्टेबल सीट वगैरह इसमें हमें देखने को मिलती है। बाकी स्पीड की बात करें तो ये 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो है वो स्पीड कवर करती है और ग्राउंड क्लियरेंस भी जो है 140 मिलीमीटर है और सीट भी बड़ी बेहतरीन है। और रिम अलॉय रिम के साथ जो टायर दिए गए हैं बड़े बेहतरीन किस्म के टायर हैं, हैवी किस्म के टायर मौजूद हैं इसमें और नॉर्मल ब्रेक सिस्टम इसमें दिया गया है अलॉय रिम के साथ। और अगर हम बात करें इसके जो है क्लच वगैरह की तो वेट वायर मल्टी प्लेटेड क्लच मौजूद है और आप देख सकते हैं क्रोम जो है इसके मरगार्ड वगैरह मौजूद हैं बड़े खूबसूरत किस्म के, और लाइट्स वगैरह भी देख सकते हैं, लाइट भी बड़ी खूबसूरत किस्म की जो है लाइट इसमें देखने को मिलेगी। किक स्टार्ट है ये। और इंजन की बात करें तो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मौजूद है। बोर और स्ट्रोक की बात करें तो 56.5 × 49.5 का इसका बोर मौजूद है। और डायमेंशन आपको बता दी जाएगी, पेट्रोल कैपेसिटी 9 लीटर जैसे बताया, और डिप्लेसमेंट इसकी जो है 125 cc की है डिप्लेसमेंट है। कंप्रेशन रेशियो जो है 901 का है। ट्रांसमिशन जो है 4 स्पीड की इसकी ट्रांसमिशन है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है 140 mm की है। और फ्रंट टायर की बात करें हम तो 2.50 × 18 का टायर था। और जैसे कि जो है आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत किस्म की जो है वो बाइक इंट्रोड्यूस करवाई थी यूनाइटेड ने। और स्पीड जो है 100 किलोमीटर की स्पीड के साथ चलती है और ड्राइव वेट जो है इसका 94.5 kg कंपनी बताती है, ठीक है, इसमें ड्राइव वेट। और देख सकते हैं बैठने में चलाने में बड़ी जो है बेहतरीन किस्म की ये बाइक है। और 125 का तो वैसे ही जो है नाम है होंडा का, मगर यूनाइटेड भी कम नहीं है। यूनाइटेड कंपनी जो है वो जिसमें 70 भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, 125 भी इंट्रोड्यूस करवाई है, बाकी बहुत से इनके पास और भी प्रोडक्ट्स हैं यूनाइटेड कंपनी के। और दिन ब दिन जो है अच्छा काम जो है चल रहा है इनका और अच्छे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवा रही है मार्केट में। और लोग जो है महंगी बाइक लेने से जो है बेहतर ये है कि लोग सस्ती बाइक पे आते हैं, और सस्ती बाइक में फिर यूनाइटेड ही हमें देखने को मिलती है। 125 में थोड़ी कंपेरिजन करें होंडा से तो लोग जो है 125 यूनाइटेड प्रेफर करते हैं और ये ख़रीदते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में जो है आपको कंपैरिजन बताया जाए होंडा 125 वर्सेस जो है यूनाइटेड 125, ताकि आपको एक कंपैरिजन पता चल सके। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसकी प्राइसिंग भी आपको बताई जाए, ताकि कमेंट में काफ़ी हमें मैसेज मिलते हैं प्राइसिंग बताएं। असल में प्राइसिंग इस वजह से बताई नहीं जाती ताकि लोग जो है हर दिन की प्राइस डिफरेंट होती है, तो लोग ये ना समझे कि जो हमने प्राइस बताई है वही उसी दिन की प्राइस हो, फिर शॉप पर जाके जो है कोई कंप्लेन करें। ताकि बेहतर ये है कि नीचे दिए गए नंबर पर जो है आप रब्ता करके इजीली जो है प्राइसिंग वगैरह पूछ सकते हैं।